साहस सरोकार। पीएम मोदी का गुजरात दौरा, पीएम मोदी वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से 5 दिन पहले जम्मू कश्मीर में ब्लास्ट, उधमपुर में 8 घंटे के भीतर 2 बसों में ब्लास्ट। लखनऊ में अखिलेश यादव को निर्विरोध सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। पीओके में घुसकर 19 शहीदों के बदले मारे 40 आतंकी, फायरिंग से भड़क जाते कमांडो तो फेल हो जाती सर्जिकल स्ट्राइक। पीएफआई पर बैन के बाद दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट, विरोध रोकने से सेंसिटिव एरिया में बने 3 जोन रिजर्व। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। लखनऊ में रमाबाई अंबेडकर पार्क में समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार ने संस्थाओं पर कब्जा किया और हम संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही कहा कि बीजेपी के लोग झूठ का सहारा ले रहे हैं, अग्निवीर भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है और प्रदेश में लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, अधिकारियों को झूठे मुकदमे में लगाने के लिए बोला गया है। जिन शक्तियों से हम लोगों को संघर्ष करना है वो लगातार झूठ का सहारा ले रहे हैं। केवल देश के नहीं, दुनिया के इतिहास में इतना झूठ बोलने वाला दल कोई नहीं रहा होगा जो आज दिल्ली की सत्ता में और उत्तर प्रदेश की सत्ता में पहुंच गया है। जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, हिटलर के जमाने के बारे में जिन्होंने जानकारी होगी, वो जानते होंगे उनकी सरकार में एक प्रोपोगेंडा मिनिस्टर हुआ करता था। केवल एक प्रोपोगेंडा मिनिस्टर था, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी का काम अगर हम देखेंगे और जिस तरह का प्रोपोगेंडा करते हैं, लगता तो ऐसा है कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी झूठ का प्रोपोगेंडा के सहारे चल रही है। अग्निवीर जैसी टेम्परेरी नौकरी कोई स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन गरीबी के कारण, बड़े पैमाने पे बेरोजगारी के कारण हमारे नौजवान दुखी हैं, उसके बावजूद भी नौकरी और रोजगार के लिए जा रहे हैं। सरकार ये न समझे कि वो आ रहे हैं भर्ती के लिए, वो गरीबी और बेरोजगारी की वजह से भर्ती में पहुंच रहे हैं। और जितनी भी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में जो संविधान से हमें अधिकार और सम्मान मिलता था, उसके साथ भी इन्होंने खिलवाड़ की है। जहां यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सरकारी नौकरियां पिछड़े और दलितों भाइयों को जो सम्मान मिलता था, नौकरियां मिल जाती थी, जिस रास्ते पे ये सरकार जा रही है उनको भविष्य में नौकरी और रोजगार नहीं मिलेगा। गोंडा के मनकापुर आईटीआई में एक घिनौनी करतूत सामने आई। बता दें कि 6 महीने पहले भी शिक्षक पर छात्राओं ने अश्लील वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने का आरोप लगाया था, जिसकी शिकायत थाने में दर्ज की गई थी। शिकायत के साथ साथ पीड़ित छात्राओं ने शिक्षक को सजा देने की भी मांग की। जानकारी के मुताबिक ऑनलाइन पढ़ाने के लिए ग्रुप बनाया गया था, जिस पर शिक्षक अश्लील और पॉर्न वीडियो भेजता था।
बता दें कि खबर गोंडा के मनकापुर से है, जहां आईटीआई में घिनौनी करतूत सामने आई है। 6 महीने पहले भी शिक्षक पर छात्राओं ने अश्लील वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने का आरोप लगाया था, जिसकी शिकायत थाने में भी दर्ज की गई थी। शिकायत के साथ साथ पीड़ित छात्राओं ने शिक्षक को सजा देने की भी मांग की। जानकारी के मुताबिक ऑनलाइन पढ़ाने के लिए ग्रुप बनाया गया था, जिस पर शिक्षक अश्लील और पॉर्न वीडियो भेजता था। ये पूरा मामला मनकापुर के आईटीआई में की है, जहां एक घिनौनी करतूत सामने आती है एक शिक्षक की। व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील वीडियो भेजता था छात्राओं ने, जिसकी शिकायत थाने में भी दर्ज की थी। शिकायत के साथ साथ पीड़ित छात्राओं ने शिक्षक को सजा भी देने की मांग की। बता दें कि ऑनलाइन पढ़ाने के लिए शिक्षक ने ग्रुप बनाया था, जिस पर अश्लील और पॉर्न वीडियो भेजता था। गोंडा के मनकापुर आईटीआई में एक घिनौनी करतूत सामने आई है। 6 महीने पहले भी शिक्षक पर छात्राओं ने अश्लील वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने का आरोप लगाया था। छात्राओं ने शिकायत थाने में भी दर्ज कराई थी। शिकायत के साथ साथ पीड़ित छात्राओं ने शिक्षक को सजा भी देने की मांग की थी। बताया जा रहा है ऑनलाइन पढ़ाने के लिए ग्रुप बनाया गया था, जिस पर शिक्षक अश्लील और पॉर्न वीडियो भेजता था। बता दें कि मनकापुर के आईटीआई में घिनौनी करतूत सामने आई है, जहां ऑनलाइन वीडियो और व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील वीडियो भेजने का आरोप लगाया गया शिक्षक पर। छात्राओं ने इसकी शिकायत थाने में भी दर्ज की थी। छात्राओं की मांग थी कि शिक्षक को सजा भी दी जाए। गोंडा के मनकापुर आईटीआई में एक घिनौनी करतूत सामने आई है। बता दें कि 6 महीने पहले भी शिक्षक पर छात्राओं ने अश्लील वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने का आरोप लगाया था। छात्राओं ने शिकायत थाने में भी दर्ज कराई थी। शिकायत के साथ साथ पीड़ित छात्राओं ने शिक्षक को सजा भी देने की मांग की। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाने के लिए शिक्षक ने ग्रुप बनाया था, जिस पर शिक्षक अश्लील और पॉर्न वीडियो भेजता था। और इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है, और इस तरीके से एक गुरु का इस तरीके से हरकत सामने आए, घिनौनी घटिया हरकत सामने आती है। जी नंदनी जी, बिल्कुल आपको बता दें कि गुरु को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसा तस्वीर देखने को मिला है मनकापुर का। मनकापुर में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए एक ग्रुप बनाया गया था, जिसमें कुछ ग्रुप के द्वारा अश्लील वीडियो भी भेजा गया। एक नहीं, दो तीन बार भेजा गया, लेकिन जब शिक्षक आरोप लगाने की कोशिश की तो अध्यापक द्वारा उसको डरकाया धमकाया गया। लेकिन एक कल भी ऐसा एक वीडियो ग्रुप में डाला गया, लेकिन फिर भी डरकाया धमकाया गया, लेकिन शिक्षक ने नहीं माना। मनकापुर कोतवाली में तहरीर दिया, और जब मनकापुर सचिव से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि ऐसा मामला संज्ञान में है, उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया। जी नंदनी, कि अगर इस तरीके से हरकत होती रहेगी, क्योंकि ऑनलाइन सुविधा इसलिए बढ़ाई गई थी कोविड के दौरान कि बच्चों को शिक्षा में कोई रोक ना लगे, उन्हें आगे पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी हरकत सामने आती है तो पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं डर जाते हैं। अनिल जी, बिल्कुल नंदनी जी, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ऑनलाइन पढ़ाने के लिए विशेष सुविधा करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भ्रष्ट शिक्षक भी आई का कोई महत्व नहीं रखते हैं, इसका ऑनलाइन पढ़ाने के फायदा कहीं ना कहीं उठा रहे हैं। इसके भी पेरेंट्स भी इसको कहीं ना कहीं ऑनलाइन पढ़ाने के लिए और डरते हैं। जब ऐसा मामला गोंडा जिला में आया है तो कहीं ना कहीं फिर ऐसा आया होगा। अनिल, बताया जा रहा है कि बच्चों ने 6 महीने पहले इसकी शिकायत दर्ज कर दी थी और सजा की भी मांग कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया अभी तक? जी बिल्कुल, बता दें कि 6 महीने पहले जब इसको उलझाया गया था, लेकिन पेरेंट्स को इनके बच्चों को दबा दिया गया था अध्यापक के द्वारा, इसलिए उसमें कोई कार्रवाई, लेकिन लगातार ग्रुप में डेली का डेली अश्लील वीडियो भेजा जा रहा था, लेकिन जब बच्चे इसको लेकर फिर किया तो उसको फिर धमकाया गया, लेकिन ये नहीं माना तो कल मनकापुर में तहरीर दिया है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल। सुल्तानपुर में अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर बीती रात सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं करीब 7 लोग घायल हो गए। घायलों को आनन-फानन में सुल्तानपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक ये सभी लोग प्रतापगढ़ में दुर्गा पूजा की धार्मिक झांकी का प्रदर्शन कर देर रात वापस लौट रहे थे। वहाँ उस एक्सीडेंट में जो है 3 लोग की डेथ हुई है और 7 लोग घायल हैं जो अभी जिला अस्पताल में जो है एडमिट हैं। हम लोग झांकी करने के लिए गए थे प्रतापगढ़ और झांकी करके वापस आ रहे थे तो हम लोगों का एक्सीडेंट हो गया उधर प्रतापगढ़ में, जगह का नाम नहीं पता। और लमसम 2:30 हो रहा था, इसी के बीच में हुआ। अयोध्या में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पीएफआई पर लगाए प्रतिबंध का स्वागत करते हुए भारत सरकार और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगना चाहिए, इनकी वजह से देश में आतंकवाद और दंगा फैलता है, जिसके चलते दिल्ली यूपी से लेकर देश के अलग अलग ठिकानों पर ताबड़तोड़ एक्शन के बाद केंद्र सरकार ने यूपीए के तहत इस संगठन को गैर कानूनी घोषित कर दिया। पीएफआई पे बैन लगा है वो उनकी अपनी करनी से, अपनी साजिशों से लगा है। धन्यवाद गृह मंत्री अमित शाह जी को, धन्यवाद भारत सरकार को। जो भी व्यक्ति हमारे देश में आतंकी घटनाओं को, दंगे की घटनाओं को, नफरत को फैलाएगा उसके ऊपर किसी न किसी रूप में अवश्य प्रहार होगा। और ये पीएफआई पे बैन का देश के समस्त नागरिक स्वागत कर रहे हैं। खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। राघवेंद्र, पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर ईडी ने, एनआईए ने छापेमारी की, जिसमें कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया और अब पीएफआई को प्रतिबंध कर दिया गया है, जिसमें सांसद मनोज तिवारी ने भी उनका स्वागत किया है इस पीएफआई प्रतिबंध को लेकर। अगर देखा जाए तो ये मनोज तिवारी सांसद जो है वो इनका अयोध्या में रामलीला में ये पाठ का रूप भी निभाए हैं, तो इसको लेकर के कल इनसे मीडिया वालों से एक सवाल किया तो उन्होंने साफ तौर पर सीधे जवाब दिया है कि पीएफआई का हम स्वागत कर रहे हैं और जो इन सब गतिविधियों में, अगर देशद्रोही गतिविधियों में जो जो भी शामिल हो रहा है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और भारत देश जो है वो अगर इसके खिलाफ कोई साजिश करेगा, चाहे पीएफआई हो चाहे जो हो, तो इसके खिलाफ हम रहेंगे। और जो भाजपा ने या गृह मंत्रालय ने जो ये काम किया है तो उसका हम स्वागत कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राघवेंद्र। अयोध्या में विश्व की सबसे ऊंची भगवान राम की प्रतिमा बनेगी। जानकारी के मुताबिक 25 मीटर ऊंची रामलला की प्रतिमा लगाई जाएगी। राम मंदिर निर्माण के बाद भगवान रामलला की विशाल काय प्रतिमा लगेगी। बता दें कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने वाली कंपनी पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत सुतार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को टेंडर दिया गया है। बलरामपुर जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के आउटसोर्सिंग कर्मचारी अपनी कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। इसको लेकर उनका कहना है कि वो विगत कई दिनों से धरने पर बैठे हैं लेकिन उनका कोई सुनने नहीं आया है। वहीं ये धरना सिर्फ अनिश्चितकालीन ही नहीं बल्कि प्रदेशव्यापी है और संपूर्ण प्रदेश में उनका धरना चल रहा है। देखिए, हम सब लोग राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत उसके कर्मचारी हैं। जैसे अभी अपना आप लोग आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, 2015 में हम लोग पहले विभागीय संविदा से जुड़े हुए थे, उसके बाद में सरकार ने, उसमें संख्या बल बहुत कम थी और सरकार ने जबरदस्ती उसको फिर आउटसोर्सिंग में कन्वर्ट कर दिया।
तो पहले तो सरकार ने अपने आप एक गलत काम किया कर दिया कि आपने अगर विभागीय संविदा किसी को भर्ती किया है तो उसको उसी में आके प्रमोट करिए, ना कि उसको जो है आउटसोर्स से कर दीजिए, थर्ड पार्टी से कर दीजिए। कानपुर में रावतपुर इलाके में कृष्णापुरी में 1.5 साल तक आयकर अफसर का शव घर में रखने के मामले में बुधवार को पुलिस जांच करने पहुंची। जानकारी के मुताबिक करीब 1.5 साल पहले 22 अप्रैल 2021 को कोविड के दौरान अफसर का निधन हो गया था, मगर पत्नी मिताली और पिता राम अवतार समेत अन्य लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। 1.5 साल तक शव को घर में रखे। जब आयकर विभाग के लोग विमलेश की जानकारी करने पहुंचे तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। कुमार का जो शव 1.5 साल से घर पे रखा गया था, इस संबंध में मुझे जांच जॉइंट सीपी साहब द्वारा दी गई थी। मैंने इस संबंध में यहाँ पर आकर पूछताछ की और ये अपनी प्रारंभिक जांच में ये पाया कि जो परिवार था वो इस फैक्ट से कन्विंस था पूरा कि वो जीवित हैं, और इमोशनल और साइकोलॉजिकल थिंग जो भी आप कहें उससे माता पिता ज़्यादा अटैच थे। उन्होंने ये वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि वो जीवित हैं और इसी सिलसिले में वो उस बॉडी को अपने घर में रखे रहे, उसकी साफ सफाई भी करते रहे। हमारे साथ जुड़े हैं और इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, कानपुर में एक आयकर विभाग अफसर का शव परिवार वालों ने 1.5 साल तक रखा, इसको लेकर और क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है? पुरी में 1.5 साल तक एक आयकर अधिकारी का शव घर से रखा हुआ था। शव को किसी तरीके से केमिकल की तरह से बचाया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जब अधिकारी ने इसे जांच करने की कोशिश की तो पाया गया कि घर वाले जो है मानसिक पीड़ित थे और बच्चे अपने जो लड़के आयकर विभाग के जो अधिकारी थे उसके बच्चे होने की आशंका में उसकी नब्ज चल रही है, उसके हार्ट चल रहे हैं, इस चक्कर में उसे रखा हुआ था। जब आयकर विभाग की टीम इन सब जांच के करने के उसके घर पे पहुंची तब इस चीज का खुलासा हुआ। हालांकि पुलिस ने इसका मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई जारी की है और जितने भी घर के परिजन हैं तो पुलिस का कहना है कि इनकी सबकी मानसिक जांच कराई जाएगी और इनके इसमें कोई और अलग विषय नहीं पाया गया है, सिर्फ एक विषय पाया गया है, घर वाले मानसिक पीड़ित थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल। रायबरेली तिलियाकोट क्षेत्र बैटरी चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बीते 15 दिनों में शहर के कई जगहों पर बैटरी की चोरी की घटना हो चुकी है, जिसको देखते हुए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल इस चोरी की घटना की जानकारी पुलिस को देकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। रायबरेली में विश्व हृदय दिवस के मौके पर इंदिरा उद्यान में एम्स के हृदय रोग विभाग द्वारा लोगों को हृदय रोग से बचने को लेकर जागरूकता अभियान के तहत वॉकथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें एम्स के डॉक्टरों के साथ साथ जिला प्रशासन भी मौजूद रहा। वॉकथॉन की शुरुआत जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। और हम लोग सब इंदिरा उद्यान में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एम्स की तरफ से ये वॉकाथॉन का आयोजन किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम सभी लोगों तक ये संदेश पहुँचाएँ और आपके माध्यम से ये अपील सबसे करना चाहते हैं इस अवसर पर कि सब लोग अपनी जीवन शैली को और भी बेहतर और स्वास्थ्यवर्धक बनाएं। उसके लिए ज़रूरी है कि सभी लोग एक अच्छा एक्सरसाइज का रूटीन अपना फॉलो करें, चाहे वो वॉकिंग हो चाहे योगा हो, अपनी अपनी एज और फिजिकल कैपेसिटी के अनुसार। देखिए, हम बीइंग अ डॉक्टर, हमारा सबसे पहला मशवरा ये है कि विश्व हृदय दिवस चूँकि आज मनाया जा रहा है और सभी को विदित होना चाहिए कि हृदय रोग आजकल की डेट में एक उभरता हुआ रोग है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मौतें पूरे विश्व में, भारत में एवं अन्य सभी जगहों पर हो रही हैं। रायबरेली में कोतवाली क्षेत्र के आचार्य द्विवेदी नगर में उस समय अफरा तफरी मच गई। बीती रात एक महिला का पति दीवार फांदकर उसके कमरे में पहुंचा और एक तेज धार औजार से उसका गला रेतने का प्रयास करने लगा, जिस पर महिला की नींद खोली और उसने शोर मचाया। फिलहाल सूचना पर पहुंचे पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। मतलब पिटावा में शादी किया था, पत्नी से मतलब झगड़ा करता था और दारू पी करके, और 3 बच्चे हैं, उनको खिला नहीं सकता, तो इस वजह से वो हमारा लड़ाई झगड़ा करता था। अब वो हमारे पास चले जाएँ तो रैली में
रह रही हैं सीमो ऑफिस के बगल में शिव मंदिर के पास, और वहीं पर एक प्राइवेट अस्पताल में काम करती हैं और अपना और बच्चों का पालन पोषण करती हैं। रायबरेली में जगतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लक्ष्मणपुर स्टेशन के पास संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन की चपेट में आने से अज्ञात युवती की हुई दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक रेलवे विभाग को सूचना देने के बाद भी जीआरपी पुलिस घंटों तक नहीं पहुंची और संवेदनहीनता के चलते मृतक युवती का शव घंटों रेलवे ट्रैक पर पड़ा रहा, लेकिन अभी तक मृतक युवती के शव अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। अमेठी के त्रिसुंडी में देर रात अनियंत्रित ट्रक ने ई रिक्शे का जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही हादसे में ई रिक्शा सवार 3 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग हादसे में घायल हो गए। आनन फानन में घायलों का सुल्तानपुर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक ई रिक्शा सवार प्रतापगढ़ में दुर्गा पूजा झांकी से लौट रहे थे। उस एक्सीडेंट में जो है 3 लोग की डेथ हुई है और 7 लोग घायल हैं, जो अभी जिला अस्पताल में जो है एडमिट हैं। हम लोग झांकी करने के लिए गए थे प्रतापगढ़, और झांकी करके वापस आ रहे थे तो हम लोगों का एक्सीडेंट हो गया उधर प्रतापगढ़ में, जगह का नाम नहीं पता, और लमसम 2:30 हो रहा था, इसी के बीच में हुआ। हरदोई में लोनार थाना क्षेत्र में सवायचपुर कस्बे में एक वर्कशॉप में वेल्डिंग के दौरान एक बाइक में आग लग गई। जब तक आग बुझाई जाती तब तक बाइक पूरी तरह जल चुकी थी। वहीं धू धू कर जलती बाइक का एक वीडियो भी सामने आया। हालांकि वक्त रहते लोगों ने आग पर काबू पा लिया था, नहीं तो बाइक की टंकी फटने से बड़ा हादसा हो सकता था। लोनार प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही, आग लगने के कारणों का पता भी लगाया जा रहा है। कुशीनगर में कस्या तहसील क्षेत्र में नदी में एक छात्र की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक एनडीआरएफ की स्ट्रीमर बोट पर कस्या तहसीलदार के साथ टीम और एनडीआरएफ के सदस्य बुद्धा घाट की तरफ निरीक्षण कर रहे थे, तभी एक युवक की लाश पानी में तैरती मिली। उसके बाद एनडीआरएफ के सदस्य ने अपने उच्चाधिकारी व जनप्रतिनिधियों को दिया, वहीं पर परिजनों को भी हादसे की खबर दी। इसके साथ ही जिले के तमाम आलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे। सुबह यहाँ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिली थी, और हम उस समय जो ही खबर मिली हम वहाँ से निकल आए थे और यहाँ लगभग 10 बजे हम लोग पहुँच गए थे। तो उस समय से लेके हालांकि यहाँ का सिचुएशन बहुत कठिन था, और ये नदी इतनी चौड़ी नहीं है, पतली नदी है, और नीचे इसके काफ़ी मलबा भरा पड़ा हुआ है। उसके बाद भी हमारे रेस्क्यूअर काफ़ी अपनी सेफ्टी को देखते हुए और प्रयास किए और उसका रिजल्ट आ गया। एनडीआरएफ टीम आई है, प्राइवेट मोटर ऊपर लगाए गए और उनके द्वारा पानी में काफ़ी हलचल की गई, बोट चला करके फिर हमने अपनी टीम लेकर के बोट में बैठा, पहले आगे की तरफ देखा, फिर बुद्धा घाट की तरफ देखा, जहाँ बोट का पानी जो पुल है वहाँ निकल रहा था, उसके आगे जब जाके देखा तो हमारे प्रभारी राजेश मिश्रा कसया मरी ने पहली बार लाश को देखा, उन्हें शंका जताई कि लाश है, फिर जब बूट करके देखा गया नगर में भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली पर, यहाँ पर ये वही नदी है। अभी एक युवक कल शाम 4 बजे महर्षि अरविंद विद्या मंदिर से पढ़ करके और इस यहाँ पर आया, अपने घर जा रहा था, रास्ते में ये नदी पड़ती है और यहीं पर उसने अभी अपना पहले बैग फेंका, उसके बाद अपनी साइकिल को फेंका, साइकिल फेंकने के बाद स्वतः उसने भी छलांग लगा लिया, और ग्रामीण काफ़ी खोजबीन करते रहे, ग्रामीणों के द्वारा काफ़ी अथक प्रयास किया गया, प्रशासन की पूरी टीम मौजूद रही और उसका पता नहीं चल सका। पुनः आज सुबह में एनडीआरएफ की टीम के द्वारा सुबह से कड़ी मशक्कत के बाद आज फिर इस समय शाम को इस लाश उस युवक का शव को पता लगाया जा सका है। आप सीधे सीधे कुशीनगर से प्राइम टीवी के लिए, मैं ज्ञानेश्वर बर्नवाल। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।